राजेश गौड़ा नाम का पर्सन है जो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड में डायरेक्टर। अच्छी बात है, कंपनी का कैपिटल 11 करोड़ है बोल रहा है। कंपनी ने क्या राजेश गौड़ा को लोन दे दिया 2 करोड़ का। कंपनी की बोरोइंग एचडीएफसी बैंक से 15 करोड़ की है। सीएस ये बोल रहा है कि ये जो डायरेक्टर को लोन दिया हो ये बिल्कुल सही नहीं है। तो सीएस सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है, पेड अप कैपिटल से ज्यादा नहीं दे सकते। एकदम गलत कंसेप्ट पे जा रहे हो तुम, पता है तुमको? लोन टू डायरेक्टर्स वाला आएगा क्या सेक्शन 185 का, यहाँ कि पे डायरेक्टर्स को आपको लोन नहीं कंपनी दिया? हैज बोरोइंग वाली लाइन कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यहाँ बोल रहा है डायरेक्टर को लोन दिया, सही किया गलत किया? आपका आंसर गलत किया। एस कौन सा सेक्शन 185 बताया हूं आपको मैं, कोई भी कंपनी सर की की डायरेक्टर को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सेक्शन 185 लोन देगी ना ही उसके लोन। लोन नहीं दे सकती, गारंटी लेगी। पढ़े क्या बन बने यस सर, हाँ सर, का यस सर, यस सर। पिछली एनुअल जनरल मीटिंग जो थी एक कंपनी की 25 मई 2018 को हो गई थी। इस साल एक लेटर डेट पर मीटिंग करना चाह रहे हैं, तो आप बताओ एजीएम किस डेट पर होनी चाहिए, उसका प्रोविजन क्या है, कब होनी चाहिए हर साल एजीएम? सर विद इन 6 मंथ्स विद फ्रॉम द इन एंड ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल ईयर ईयर कैसा होगा? फॉलोइंग इज द पीरियड ऑफ होल्डिंग एजीएम, पूरा प्रोविजन बताना। पहले किसका बताना? कब फर्स्ट होती एजीएम है? का विद इन 9 मंथ्स फाइनेंशियल फ्रॉम ईयर, फिर क्या बताना? सबसीक्वेंट, इस पे एक्सटेंशन नहीं मिलता है सबसीक्वेंट और इसमें विद एक्सटेंशन इन 6 मंथ्स, 3 मंथ, और उसके बाद एक्सटेंशन 3 महीने, हाँ 3 मंथ का क्या मिलता और है? अगर 6 महीने तक नहीं करते तो 3 महीने का 3 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है, एक्सटेंशन थ्री मिलेगा। मंथ का एक्सटेंशन। पूरा आंसर है इसका इन द प्रेजेंट केस करके अपना ये सजेशन बता देना कि इट इज पॉसिबल टू होल्ड एनुअल जनरल मीटिंग एट अ लेटर डेट। कर पाओगे सभी हाँ लोग? यस दोनों क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन में कंफ्यूज, सर, पहले ही बोल दिया था डायरेक्टर को लोन दे रहा है और सीएस क्या बोल रहा है, लोन देना गलत है, तो सीएस बिल्कुल सही बोल रहा है। उसके आंसर में सेक्शन 185 समझा दे पाओगे कि नहीं समझा पाओगे? तो यस सर, मैं आर बहुत अच्छे से 185 लिखवाया है, मुझे ध्यान सर, है ना, ये पीरियड वाला क्वेश्चन बन जाएगा एजीएम के। अगला यस सर, क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर होगा। डोनेशन पूछ रहे हैं तो वो 100% ऑफ नेट प्रॉफिट तक दे सकता है पिछले 3 साल का, वन वन और मार्क उसके का, वन वन 5 मार्क का है। पहले का क्या आंसर लिखोगे, कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? अप टू हंड्रेड 100% ऑफ परसेंट नेट परसेंट प्रॉफिट ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रीवियस थ्री हंड्रेड। इयर्स हाँ नेक्स्ट, अगेन इसका भी क्या आंसर आएगा? 100%, उसमें भी वही वैसा जो होगा नेट उसके पिछले प्रॉफिट। 3 साल होगा। एक अगला पढ़ो, बाय चेक पेमेंट करना चाहता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता? हाँ सर, कर सकते हैं। ट्रिक क्या है, पार्ट पेमेंट बोल रहा है, अपने को क्या बताना है? फुल पेमेंट मस्ट बी मेड बाय अकाउंट पे ही चेक, चेक, समझ गए? हाँ सर, क्वेश्चन को कभी बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। एक अगला क्या बोल रहा है? सर, हाँ बोलो ना बेटा। पार्ट पेमेंट भी होगी तो भी वो वैलिड तो रहेगी ना, मतलब डोनेशन में तो जाएगी। पर आप इसमें आंसर में इसको क्लैरिफाई करोगे, द पेमेंट ऑफ पॉलिटिकल डोनेशन शैल बी मेड बाय अकाउंट पे चेक। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? अगला हाँ सर, पढ़ो, नहीं सर,
प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाना कंपल्सरी होता है तो करना पड़ेगा क्योंकि एक एक्सपेंस है ना। अगला पढ़ो। यार ये भी एक तरह का डोनेशन ही हुआ। डोनेशन ही हाँ, तो उसको भी शो करेंगे हम लोग अकाउंट्स में। पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन है और आप इसे क्या शो करोगे? एक्सपेंस। आपको समझ आया कि नहीं आया ये बताओ क्वेश्चन। हाँ सर। अब कैसे लग रहा है क्वेश्चन देख के? अब समझ आ रहा है सीएस में कैसे पूछते हैं क्वेश्चन इसमें? यस सर। अगला क्वेश्चन बताओ, आंसर बताओ। खुद को कंपनी का एक पर्सन समझ के, सीएस समझ के सोचो तो जल्दी बनेगा क्वेश्चन। अपने आप को स्टूडेंट समझना ही मत। तुम एक प्रोफेशनल हो, तुमसे एडवाइस मांगी जा रही है इन क्वेश्चंस पे। बताओ क्या होगा? जेकेजे लिमिटेड कंपनी है, कितने डायरेक्टर है बोर्ड में? 10। अब क्या हुई? बोर्ड मीटिंग कन्वीन हुई है 19 अक्टूबर को, ठीक बात है। कितने लोग पर्सनल अटेंड करे मीटिंग को? दो जन। और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो सवाल ये कि कोरम बना कि नहीं बना? नहीं बन रहा, क्योंकि मिनिमम दो चाहिए, मिनिमम टू चाहिए ही रहते हैं। कम टू बोर्ड में। थर्ड ऑफ बोर्ड टू व्हिच एवर इज हायर। हायर नहीं चाहिए कोरम के लिए, चार चाहिए। वन थर्ड चार चाहिए सर। तो कितने से कोरम बनना था? 4। 3 से? 3 से। 3.5 के ऊपर होता तो 4 पे जाते। 3.33 है, मतलब क्या? 3 डायरेक्टर। तो अब कोरम बन रहा है कि नहीं? हाँ बन रहा है भैया, क्योंकि दो पर्सनली और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। आगे क्या बोल रहा है? 2 डायरेक्टर वर इंटरेस्टेड इन एजेंडा एंड हेंस डिड नॉट पार्टिसिपेट इन मीटिंग। अच्छा काम करें। Auditor claimed that quorum was not present for the meeting to be valid. Do you agree with the auditor? Justify your answer with the provision of Companies Act 2013. क्या आंसर होता है इसका? सर, 2/3 अगर इंटरेस्टेड फाइन करते, अगर 1/3 इंटरेस्टेड होते जो प्रेजेंट है तो वैलिड नहीं मानते quorum को। वो नहीं बोल रहे। आंसर देखो बहुत ध्यान से। If majority of डायरेक्टर फॉर्मिंग कोरम, सर तो इंटरेस्टेड है तो वो कोरम पे इंक्लूड नहीं होते ना। आर इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड ध्यान से है ना, बोल तो रहा है। 3 आए, उनमें से भी 2 क्या है? सर इंटरेस्टेड है। अब सुन, सही बोल रहे हो। मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर फॉर्मिंग कोरम आर इंटरेस्टेड, देन द रिमेनिंग डायरेक्टर not less than 2 shall form the quorum, shall form quorum, ye provision hai? Yes sir. In the present case only one, zor se bol raha hu kya yaar main, one director is disinterested, sahi baat hai? Yes sir. कोरम फॉर्म नहीं हो रहा है। हेंस कोरम कुड नॉट बी फॉर्म्ड एंड कंटेंशन ऑफ द क्लेम ऑफ ऑडिटर इज वैलिड, जस्टिफाइड या वैलिड। तो बिना हड़बड़ाए क्वेश्चन को कभी भी ध्यान से देख लिया करो। क्वेश्चन समझ आया? आंसर समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अच्छे से कि आधा अधूरा? अच्छे से। अगला क्वेश्चन पढ़ो भैया, ये कल की क्लास में पढ़े थे अपन सुबह 8:30 बजे। पढ़ो। सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल से उसका अपॉइंटमेंट वैलिड हो सकता है। ये तनिषा क्या करना है बेटा हमको इसमें? MR2 पर के लिए हमको इसमें MR2 लिखना पड़ेगा। वो तो ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा पूरा प्रोसीजर? बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग, जनरल आरओसी के पास MR,
12। ईमानदारी से बताओ, मन और जीवन में कोई समस्या है? नहीं सर। अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ आया? हाँ सर। आगे पढ़ो। बोलो बोलो, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? मैं पोस्टल बैलेट में क्या क्या चीजें लगती है रेजोल्यूशन पास करवाने के लिए? गलत पढ़ रहे हो। मतलब क्या क्या मेंशन करना पड़ता है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे मैटर हैं जो पोस्टल बैलेट से पास हो सकते हैं। पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं। हाँ सर। कौन कौन से मैटर है सर? फाइनेंशियल मैटर्स को छोड़ के किसी ऑडिटर या डायरेक्टर को अपॉइंटमेंट। बोल रहे हो तुम, सर्कुलेशन में पहुंच गए हो सर। अगर मेमोरेंडम को ऑल्टरेशन इन मेमोरेंडम, ऑल्टरेशन इन आर्टिकल, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ नेम, पूरी लिस्ट पढ़े अपन इसकी पोस्टल बैलेट में। okay. कौन कौन से रिजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास होते हैं? आया ना? हाँ सर। नंदनी समझ आ रहा है बेटा? यस सर। क्वेश्चन और आंसर तनीषा, वेदिका समझ आया? यस सर। गुंजा, श्रुति? यस सर। अरे गुंजा नहीं yes, है क्या? वेयर इज गुंजा? गुंजा दीदी नहीं है। गुंजा दीदी नहीं है। अगला पढ़ो, क्वेश्चन और आंसर बताओ भैया। बहुत सोच के आंसर देना, हड़बड़ा के मत देना। सर वो आर्टिकल्स ओवररूल करते हैं जनरल प्रोविजंस को, तो वो 70 आवर्स वाला कांसेप्ट ही आएगा इसमें, मतलब 70 आवर्स की लिमिट मिलेगी। पैदा ये जो पैदा है नहीं कर सकता सर, कंपेल नहीं कर सकता। एक्स कैन नॉट कंपेल चेयरमैन, चेयरमैन लिख रहा हूँ यार मैं भी, चेयरमैन टू एडमिट प्रॉक्सी बिकॉज क्या आप बताओ? आर्टिकल्स आर्टिकल कैन प्रोवाइड फॉर लॉन्गर आवर्स, लॉन्गर ड्यूरेशन फॉर, ठीक है, आवर्स ऑब्लिक ड्यूरेशन फॉर डिपॉजिट ऑफ प्रॉक्सी फॉर्म। सही बात है, गलत बात है? यस सर। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं आया? हाँ सर। और इसका अगला बोलो, अब क्या आगे कहानी में था? ए भी मीटिंग में आ गया था और ए और एक्स दोनों ने वोट किया, तो क्या चेयरमैन दोनों के वोट को रिजेक्ट कर देगा? नहीं सर, ए का वोट वैलिड होगा, एक्स का रिजेक्ट हो जाएगा। समझ गए? ऐसे भी वोट नहीं कर सकता था। हाँ सर। तो चार नंबर आपको मिलते कि नहीं मिलते? हाँ सर। अभी अपना आज हम लोग चौथा क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं, आपको कुछ असर लग रहा है, समझ आ रहा है एग्जाम में क्या होता है, कैसा पेपर आता है? यस सर। अभी ऐसे 10 पेपर और बनाएंगे। कितने? 10। 10 पेपर अगले 10 दिन तक और बनाएंगे हम लोग, बन जाएगा आपसे? यस सर। प्रैक्टिस करते रहेंगे जब तक परफेक्ट ना हो जाए। अगला क्वेश्चन पढ़ो और बताओ भैया। ये क्वेश्चन ना पार्ट ए से दिया हुआ है, आपसे बन जाएगा क्या, पढ़ के बताओ। आपसे बन जाएगा? नहीं बनेगा मुझे लगता है। मैं यार लिख दे रहा हूं यार, ये क्वेश्चन पार्ट ए का है। कहाँ का है? पार्ट ए का है, ऑडिट एंड ऑडिटर चैप्टर का है, ठीक है, पार्ट बी का क्वेश्चन ही नहीं है। सेम अगला क्वेश्चन क्या मांग रहा है भाई? हाँ, ये भी पार्ट ए का क्वेश्चन दे दिया है। ये दो क्वेश्चन आपको जो दिख रहे हैं डी और ई, ये पार्ट ए के हैं। ये है इंटर कॉर्पोरेट जोन के टॉपिक का। कौन से टॉपिक का?
इंटर कॉर्पोरेट लोन, ये ऑडिटर के टॉपिक का क्वेश्चन, ये पार्ट बी में क्यों डाला, ये चीज हम पहली बार देखे हैं, पुराने क्वेश्चन पेपर में ऐसा नहीं था, है ना? हाँ सर, पार्ट ए के दो क्वेश्चन आए इसमें। चलो कोई नहीं, आन दो अगला, बताओ भैया पढ़ो और बताओ। ये बन पाएगा आपसे? ये क्वेश्चन बन पाएगा सर? समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन मैं आपको सिखा दे रहा हूँ बेटा, आपके पास कॉपी वॉपी है ना, तो आप नोटिंग कर देना इसकी। हाँ सर। बोलू? पहले टाइम लाइन बना देते अपन। वो क्या रहा है कि कंपनी का 31 मार्च को बोल रहा है, 31 मार्च 2018 को लिस्टेड कंपनी है पहले, तो ये समझ लेते हैं। ठीक बात है। कैपिटल कितना बोल रहा है? 40 करोड़। टर्नओवर कितना बोल रहा है? 200 करोड़। ठीक है, अब ये बोला, अब क्योंकि रजिस्टर्ड कंपनी है तो भैया वुमेन डायरेक्टर होना है कि नहीं होना है? यस सर, नहीं चाहिए। अब इसने कब रिजाइन कर दिया? 1 अक्टूबर 2018। अब एक प्रोविजन बता रहा हूँ, याद रखना कि कभी जैसे कोई पोस्ट वैकेंट हो जाए, खासकर जैसे वुमेन डायरेक्टर की या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, किसकी? वुमेन डायरेक्टर की या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, तो ना ये प्रोविजन याद रखना, द वैकेंसी शैल बी फिल्ड बाय बोर्ड इन नेक्स्ट 3 मंथ और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग whichever is later, अब वुमेन डायरेक्टर ने रिजाइन कब किया बेटा? 1 अक्टूबर को रिजाइन किया। इसके पहले बोर्ड मीटिंग एक बार हो चुकी है, कब? 25 अक्टूबर। उससे तो अपने को कोई मतलब नहीं है, ये लाइन हमको कंफ्यूज करने के लिए। अब बोल रहा है कि बोर्ड अगली बार कब मिलेगा? 15 जनवरी 2019। अब वैकेंसी क्रिएट कब हुई है? 1 अक्टूबर को। कब हुई है? 1 अक्टूबर। तो वैकेंसी कब भर जानी चाहिए? विद इन थ्री मंथ या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग, व्हिचएवर इज लेटर। तो अब यहाँ पे आप 1 अक्टूबर से 3 महीना गिनोगे तो कितना हो रहा है? 31 दिसंबर 2018। यस सर। ठीक है, या फिर 15 जनवरी 2019 इस लेटर, तो कौन सी लेटर है? 15 जनवरी। कब होगा? 15 जनवरी। आपको प्रोविजन समझ आया क्या बेटा? यस सर। कितना समझ आया? आगे सर। मन और जीवन में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं सर? नहीं है। ये आपसे बन जाएगा? हाँ। ये प्रोविजन भूलोगे तो नहीं? नहीं सर। अच्छा, मेरे को ये एक बात समझ नहीं आ रही है, ये जो भी अटेम्प्ट हुआ है, ये 2019 का अटेम्प्ट है, इसमें पार्ट बी में पार्ट ए के क्वेश्चन क्यों डाला? क्या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन कम पड़ गए इनके पास? ये पार्ट ए के क्वेश्चन है। खैर, तुम पार्ट ए पढ़ दोगे तो एग्जाम में जब आएगा तब तो तकलीफ नहीं रहेगी, लेकिन अभी पढ़े ही नहीं हो तो कैसे तुमसे पूछ लें। पार्ट ए का सीएसआर का क्वेश्चन है ये, और ये वाला क्वेश्चन जो है पार्ट ए का शेयर एंड शेयर कैपिटल का क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन पढ़ो बीच का थ्री. बोलो सर, इसमें वो खुद ही सर लोग मीटिंग बुला लेंगे. अगर 21 to 45 डेज के अंदर नहीं होती है मीटिंग तो रिक्विजनिस्ट खुद ही मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं. आना पड़ेगा रिक्विजिशन का, ठीक है, कि कितने 21 से 45. अभी 45 दिन बीत गए क्या? नहीं सर. इसमें बताना होगा कि अगर बीत गए 45 दिन देन फिर क्या होगा, रिक्विजिशन से बुला सकते हैं. समझ आई बात? सर तो पहले एलिजिबिलिटी बतानी पड़ेगी. एलिजिबिलिटी बताओगे फिर कहाँ नोटिस भेजते हैं बोर्ड को? बोर्ड को कितने दिन में कराना है? 21 to 45. जब फेल हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? 3 months के अंदर मीटिंग कंडक्ट कर लेंगे. अब आप बताओ आप इसको लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? यस ये जितना आपने बोला है, जब अभी क्लास अभी 15 से आओगे तो इसको अपन ना क्लास में बनाएंगे सारे क्वेश्चन को. आप कैसे आंसर लिखते हो देखना है मेरे को, ठीक है? यस सर. बताओ आंसर दो. नहीं कर सकता सर, अनलिस्टेड का पेड अप कैपिटल 10 crore होना चाहिए. आगे या तो पेड अप कैपिटल 10, लेकिन 50 करोड़ हाँ कह सकते हैं. 50 करोड़ एक्सीड हो रहा है. 3 क्राइटेरिया ना, पेड अप कैपिटल या तो कितने से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 50 से ऊपर 10 crore और टर्नओवर 100 करोड़ और 50 करोड़. कौन क्राइटेरिया पूरा हो रहा है? 50 करोड़ से ऊपर बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है. 50 crore शेयर कैपिटल कर दिया, अब बनाना है कि नहीं बनाना है? पहले भी बनाना था और अभी भी बनाना है. अभी भी बनाना है. अरे इनकी मीटिंग हो गई तो कोरम क्या होगा? 1/3 और 2/4. ये हो गया पार्ट बी सॉल्व आपका. सर उसमें 2 meetings ऑडिट कमेटी, 1 meeting करती है. ऑडिट कमेटी वही सब करती है जो बोर्ड मीटिंग में होता है, जो बोर्ड करता है. साल में इनको भी मिनिमम 4 करना है, ठीक है? इनका भी कोरम वही होगा जो बोर्ड का कोरम होगा, क्योंकि इनका सब ग्रुप है, बोर्ड का ही तो सब ग्रुप है ना. अब बेटा हैंड रेस करके बताओ, आपको थोड़ा सा फीस आ रहा है कंपनी का, क्वेश्चन बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे आपसे? जनरली पूछ रहा हूं आपसे, क्वेश्चन थोड़े बहुत बन पा रहे कि नहीं बन पा रहे? बोलो हाय या ना में. हाय सर. ओके, कल सुबह जब हम लोग 8:30 बजे मिलेंगे तो क्या करना है कल हम लोग को? पार्टी. कल क्या दिन है? सैटरडे है ना? केएमपी हो गया. फ्राइडे. केएमपी खत्म हो गया ना आज तो? फ्राइडे. कल फ्राइडे. कल का रिजोल्यूशन मनाएंगे. क्या बनाएंगे? रिजोल्यूशन. कल हम लोग नोटिस बनाएंगे. क्या बनाएंगे? नोटिस. कल हम लोग रिपोर्ट बनाएंगे. क्या क्या बनाएंगे? रिजोल्यूशन, नोटिस, रिपोर्ट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. कल ये सब अपने को करना है, ठीक है? तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर देना अटेंड, अच्छे से समझ देना कैसे बनता है. ये सब प्रैक्टिकल ड्राफ्टिंग है जो कल कराऊंगा, फिर हम लोग पार्टी पे आएंगे, ठीक है बेटा? ओके सर. ये कर दो, ठीक है? बाय बाय बच्चों. थैंक यू सर. बाय बेटा.